नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सवर्णा जीएस पर। दोस्तों आज आप देख रहे हैं एक बेहतर सा टॉपिक हम आपको बताने वाले हैं बौद्ध संगीति के बारे में। यानी बौद्ध संगीति में आपने गौतम बुद्ध का नाम सुना होगा। नहीं, ये गौतम बुद्ध जो हैं ये बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। गौतम बुद्ध किसके संस्थापक है भाई? तो गौतम बुद्ध जो हैं ये बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। इन्होंने क्या किए? बौद्ध धर्म की स्थापना की। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तो उसमें किसका नाम आता है? गौतम बुद्ध का नाम आता है। जो गौतम बुद्ध नेपाल के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, लेकिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहां हुआ था? तो आपके बिहार में हुआ था, यानी बोध गया में हुआ था। और ये गौतम बुद्ध इसी बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। और ये गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। कई बार आपसे एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि एशिया महादेश का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, तो एशिया महादेश का ज्योतिपुंज जो है वो सम्राट बोलते हैं ये मुनि गौतम बुद्ध को जो है एशिया महादेश का ज्योतिपुंज कहा जाता है। और ये गौतम बुद्ध क्या है? बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। अब गौतम बुद्ध के ने जो जिस धर्म की का विकास किए उसको बौद्ध धर्म बोलते हैं। और वो बौद्ध सभा कहां कहां हुई थी, बौद्ध संगीति कहां कहां हुई थी, और उस समय उसके मतलब संरक्षक कौन थे या किन के शासनकाल में वो युद्ध हुआ था? कई बार इस तरह के एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था और किन के शासनकाल में हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था किन के शासनकाल में हुआ था, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था किन के शासनकाल में हुआ था, और चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था किन के शासनकाल में हुआ था। तो ये हम आपको अभी तुरंत जो है याद करवा देंगे कि बौद्ध संगीति के क्रमिक स्थल, यानी बौद्ध संगीति चार गो हुआ था और चारों अलग अलग राजा के शासनकाल में हुआ था। तो कैसे याद रखेंगे? राज व्यापारी कर, राज व्यापारी कर, यानी राज से आपका जानते क्या हो गया, राज से आपका हो गया राज व्यापारी कर। इसका मतलब बौद्ध संगीति जो हुआ था वो सबसे पहले कहां हुआ था? राज से राजगृह, यानी पहला कहां हुआ था? तो राजगृह में हुआ था। कहां हुआ था भाई? राजगृह में हुआ था। और दूसरा कहां हुआ था? तो व्यापारी से याद रखिएगा वैशाली। दूसरा क्या हो गया? वैशाली। और पारी से हो गया पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा। तो तीसरा कहां हो गया? पाटलिपुत्रा में हो गया। और कर से हो गया कश्मीर, यानी कश्मीर। चौथा कहां हो गया? कश्मीर में। राज व्यापारी कर यानी आपको राजगृह हो गया, आपको वैशाली हो गया, पाटलिपुत्रा हो गया और कश्मीर हो गया। पहला कहां हो गया? यानी प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में, द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में, तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्रा में, और चतुर्थ बौद्ध संगीति कहां हो गया? कश्मीर में। अब अलग अलग सबके क्या थे? राजा थे। राजगीर में जो बौद्ध संगीति हुआ था ये हुआ था आजाद शत्रु के शासनकाल में। क्वेश्चन पूछता है कि राजगीर में जो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था किनके शासनकाल में? तो आजाद शत्रु के शासनकाल में। आपने नाम आजाद शत्रु का सुना होगा। उसके बाद वैशाली में जो हुआ था वो काला शोक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? काला शोक के शासनकाल में। फिर पाटलिपुत्रा में जो हुआ था वो सम्राट अशोक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? तो सम्राट अशोक के शासनकाल में। और कश्मीर में जो हुआ था ये आपको हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। क्वेश्चन पूछता है कि किसके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था। किनके शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था? तो सम्राट अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था। किनके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था? तो कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था। किनके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है ये आजाद शत्रु के शासनकाल में हुआ था। और प्रथम बौद्ध संगीति कहां हुआ था? राजगृह में। द्वितीय बौद्ध संगीति कहां हुआ था? वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगीति कहां हुआ था? इसी पाटलिपुत्रा यानी पटना की धरती पर। और चतुर्थ बौद्ध संगीति कहां हुआ था? तो कश्मीर में। तो जिसको ट्रिक से याद करना है वो ट्रिक से भी याद कर लेंगे, जिनको नहीं याद करना है तो वो कॉन्सेप्ट जो हम आपको समझा रहे हैं इससे भी आप याद कर सकते हैं कि गौतम बुद्ध कौन थे। तो गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म कहां हुआ था? तो नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, कपिल वस्तु के पास हुआ था। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहां हुआ? तो बिहार के गया जिला में एक बोध गया जगह है, वहीं पर इनको पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है? तो एशिया महादेश का ज्योतिपुंज कहा जाता है। और बौद्ध संगीति कितना हुआ? तो चार बौद्ध संगीति हुआ था। पहला बौद्ध संगीति कहां हुआ? राजगृह में हुआ, क्योंकि राजगृह में भी वो ज्ञान की प्राप्ति किए थे। दूसरा बौद्ध संगीति कहां हुआ? वैशाली में हुआ, क्योंकि वैशाली में पहला ज्ञान की प्राप्ति उनको वहीं से शुरू हुआ था।
तीसरा बोध संहिति कहां हुआ? पाटलिपुत्रा में। और चौथा बोध संहिति कहां हुआ? कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। पहला बोध संहिति किनके शासन काल में हुआ? राजगृह में, तो अजात शत्रु के शासन काल में, वैशाली में, काल अशोक के शासन काल में, पाटलिपुत्रा में अशोक के शासन काल में, और कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में बोध संहिति हुआ था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चारों बोध संहिति और बुध के बारे में जो जानकारी आपको दिए ये आपको समझ में भी आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। यदि आपको याद हो गया और लगता है कि हम आपके लिए मेहनत करके कुछ हम आपके लिए काम करते हैं तो आप शेयर मैक्सिमम कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। इसके अलावा सुबह में जो टॉपिक वाइज कॉन्सेप्चुअल टॉपिक देते हैं, कॉन्सेप्ट के साथ जो हम आपको बायो या केमिस्ट्री या फिजिक्स जो पढ़ाते हैं उस टॉपिक को एकदम रेगुलर टाइम से देखिए और उसको अपनी कॉपी में लिखने का भी प्रयास कीजिए। और रात के जो 8 बजे न्यूमेरिकल का सेशन चलता है या क्वेश्चन डिस्कशन का जो सेशन चलता है उसको आप लोग जरूर देखिए। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।